पार्टी के खिलाफ खड़े हुए देवी सिंह भाटी। भाटी ने मंत्री मेघवाल को बताया जयचंद। अर्जुन मेघवाल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए काम। भाटी ने कहा मेघवाल को ना मिले टिकट। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नेताओं की पार्टी अदला बदली शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर राजस्थान बीजेपी में बागियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक देवी सिंह भाटी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। भाटी ने बीकानेर से सांसद और केंद्र में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए बीजेपी आलाकमान से मेघवाल को टिकट नहीं देने की मांग की। देखिए, मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उसके पीछे कारण लगातार रहा है कि पार्टी के अंदर जो रह के पार्टी विरोधी गतिविधियां करे, और उनमें हमारे श्री अर्जुन राम जी मेघवाल हैं जो सांसद है यहां बीकानेर के। ये लगातार पार्टी में आने के बाद से गलत गतिविधियां, कांग्रेस के साथ मिली भगत, उनकी गुप्त मंत्रणा। मैं नहीं कहता हूं, जो चुनाव लड़ते हैं उनको पता है, जो नेता है भाजपा के उनको पता है, कार्यकर्ताओं को पता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये लगातार लिप्त रहे। मेरा काम था कि समय समय पर पार्टी के नेताओं को आगाह करना, मैंने उनको आगाह किया। अभी भी मैं कल जयपुर जाके आया हूं, मैंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री उनको भी बताया, केंद्रीय नेतृत्व श्री जावड़ेकर जी, श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब को भी मैंने बताया, हमारे जो प्रभारी सतीश जी पूनिया उनको भी आगाह किया। लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने तय कर रखा है कि पुनः इनको भाजपा से सांसद की टिकट दी जाएगी, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या लगता नहीं कि आप पहले भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, आपने सामाजिक न्याय गठन का मंच ना पार्टी से इस्तीफा मैं पहली बार दे रहा हूं। पहले मुझे पार्टी की सदस्यता से हटाया गया था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि मैंने एक मुद्दा उठाया था सामाजिक न्याय मंच के बैनर के तहत, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण 1998 में, उसके कारण से मुझे निष्कासित किया गया था। और मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि 10% स्वर्णों को आरक्षण दे दिया गया है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बने, लेकिन उनकी फौज में ऐसे जयचंद ना रहे। तो क्या लगता नहीं ऐसे चुनाव में आपने पार्टी में इस्तीफा दिया, व्यक्ति विशेष की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है? भाई, व्यक्ति नुकसान किनको पहुंचा रहा है? पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है ना, व्यक्ति तो पहुंचाते हैं फायदा और नुकसान, चाहे कार्यकर्ता है चाहे कोई नेता है, तो इसलिए एक कोई कारण नहीं है, पर ये लगातार ऐसा कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो साथी हैं जिनको नुकसान पहुंचाया है, वो अंदर अंदर बोलते हैं लेकिन बाहर खुल के नहीं बोलते। तो आपने पार्टी का इस्तीफा दे दिया, क्या राजनीति से संन्यास माना जाए? ना नहीं, राजनीति से संन्यास मेरे खून में है। ये जो आरोप लगाते हैं ना कि साहब पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या राज करने का, हमारे खून में रहा है। आपके साथ हमारे ये अगर क्षत्रिय सिख और मराठा नहीं होते तो हम सब अभी मुसलमान बने हुए होते, हमने जौहर और साके किए हैं, हमारे खून में है शासन करना। क्या आपके साथ अन्य कोई विधायक नेता और नहीं? मैंने किसी से ना तो बात की, अब वो जाने, पर मैं अपना मैं निर्णय कर चुका हूं। समझाइश का प्रयास भी किया जा रहा है कि क्या बता रहे हैं? होता रहता है, मैंने मेरा इस्तीफा भेज दिया। तो क्या वापस अगर कोई आपसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपसे मिले? ना मिलने की मुझे जरूरत नहीं है, इनको वो टिकट ना दे। अगर टिकट नहीं दिया तो हम वही है। अभी तो राजस्थान में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय भी नहीं हुई और एक बार फिर बीजेपी में बागियों का दौर शुरू हो गया है। बीते विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने बागी होकर चुनाव लड़ा था। नतीजा ये रहा कि विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। देखना होगा कि 2014 चुनाव में राजस्थान में क्लीन स्वीप कर 25 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी क्या अपने वर्चस्व को कायम रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।